एक ऐसा मतलब काम मेरा अलग से होना चाहिए कि उसमें हर 6 महीने में 3 महीने में इनकम डबल होती रहे, यानी कि अगर आप सो रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोबर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश में जसदीप भाई के फार्म पर, जिनके फार्म का नाम ऊर्जा एग्रो फार्म है और ये पिछले काफ़ी टाइम से पिग फार्मिंग के साथ साथ फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने एक अच्छे एरिया में अपने खेत में ही अपना फार्म बनाया था, तो चलिए कराते हैं आपको उनका फार्म टूर और मिलाते हैं आपको जसदीप भाई से। ये भाई की फार्म की एंट्रेंस है, जैसे कि आप देख रहे हो ऊर्जा एग्रो फार्म। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी। भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। एक बार आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए अपने गेट पर ही। ये मेरा नाम यशदीप सिंह है, मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश यूपी उमरी जानी वेगर्व का निवासी हूँ। जी जी। पहले मैं नोएडा में मेरा काम हुआ करता था, जो कि मैं जिम था मेरा वहाँ पे, लॉकडाउन के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे 19 मार्च 2020 से पहले ही आया था। उसके बाद मैंने आके अपना ये पूरा यहाँ पे काम लगाया, जिसमें कि पिगरी है, फिशरी है और उसके साथ साथ RIR जो मुर्गी जो ब्रीड होती है वो भी है। तो चलिए एक बार फार्म टूर कराइए हमारे दर्शकों को। जी आइए। ये भाई का फार्म है, ये इतने पोर्शन में मेरा लगभग दो भी, ये पूरा जो फार्म है, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये पूरा फार्म मेरा 5 बीघे की बाउंड्री से कवर्ड है। जी जी। इसमें मेरा जो है लगभग 2.5 बीघे का मेरा पूरा ये तालाब की बाउंड्री है। इसमें 2 बीघे अंदर अंदर जो कि तालाब है जिसमें मैंने मछली पाली हुई है, इसमें की फंगास मछली जिसको फंगेसियस भी बोलते हैं। जी जी। वो मछली है इसके अंदर, तालाब के अंदर इस टाइम पे 4000 मछली है। अच्छा जी। इसका एरिया क्या बताया था आपने तालाब का? तालाब का जो पूरा एरिया अगर आप नापेंगे तो ये 2.5 बीघे है, लेकिन जो पानी जिस एरिया में है वो 2 बीघे पानी है। अच्छा अच्छा, अच्छा। जी अच्छा, तो फंगेसियस पाल रखी है आपने इसमें? जी फंगेसियस पाल रखी है। एक साल में इसमें कहने को 2 बार इसमें आराम से, बहुत आराम से खेती इसमें की जा सकती है फंगेसियस की। जी बहुत आराम से, लेकिन उसके भी अपने अपने तरीके हैं कि सर्दियों में लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, लोग बाग कहते हैं कि मछलियों को बचा नहीं पाते जी। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मुझे ये मछली का काम करते करते एग्जैक्टली 2.5 साल हो गया जी। इसमें मैंने पहले साल मछली केवल 1 साल में 1 ही बार निकाली थी जी, लेकिन अब लास्ट ईयर मैंने 1 साल में 2 बार निकाली है, तो उससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ थोड़ा लॉस भी हुआ, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस हुआ कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं उसको कैसे कवर अप करूँगा और जो घाटा इस साल हुआ वो नेक्स्ट ईयर ना हो। जैसे मार्च चल रहा है और अभी सर्दियाँ गई हैं हमारी जी, तो आपको लॉस हुआ मतलब कुछ तरीके का ठंड? हाँ। में फंगेसियस में उनका तेल जम जाता अंदर, बिल्कुल हुआ है ठंड में। ऐसा हुआ कि मैं मेरे पास जो मैंने ठंड से पहले लगभग ठंड आने से 4 महीने पहले मैंने फंगेसियस के 4000 बच्चे में लेके आया था, जो कि तकरीबन 250 ग्राम का एक बच्चा था। वो मैंने उसको फीड अच्छे फीड पे दिया जी, जी। उसे मैंने अच्छा तरीके से मैंने उसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, जो चीज़ें जो भी चीज़ें कहते हैं कि फीड के साथ आपको उसका दवाइयों का भी सब चीज़ों का ध्यान रखना हो, तो मैंने किया। लेकिन जैसे ही ठंड आए यानी कि नवंबर 15-16 के बाद जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर डाउन हुआ, मछली ने ऊपर आना बंद कर दिया नीचे। उसमें क्या हुआ कि उसने फीड खाना बंद कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ कि मेरे साथ जो मैंने नोटिस किया कि मेरे तालाब में जो फीड मैं डालता था या जो फीड उधर से भी आता था, जो कि मेरा पिगरी है, पिगरी का भी जो वेस्टेज आता था वो इसमें आके एक्यूमुलेट होने लगा, जिसके कारण काई जमने लगी। अब काई जमने लगी, फिर एक प्रॉब्लम मेरे सामने ये आ गई कि इसमें जो है मछलियां मरने लगी थी। फिर मैं उस चीज़ से परेशान हुआ थोड़ा सा, फिर मैंने उसका भी ट्रीटमेंट किया जी जी। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर ऐसा हुआ, मैं जब उस चीज़ को समझ पाया, इतने में दूसरी चीज़ एक मेरे साथ ये हो गई कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया, पाला जिसको बोलते हैं पाला पड़ने लगा, उसमें भी थोड़ा सा मछली यानी कि 200-300 मछली पूरे उस दौरान में मेरी ख़त्म हो गई, मेरी मर गई जी।
तो कहीं ना कहीं ठंड फिश फार्मिंग के लिए एक अच्छा सीजन नहीं है। जी बिल्कुल, सीजन जो है बिल्कुल एक अच्छा सीजन नहीं है। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसमें जो है कंटिन्यूअसली ताजा पानी चलाना है और ऊपर से तालाब को कवर करना है। मैंने वो भी किया, मैंने कंटिन्यूअसली ताजा पानी चलाया, ऊपर से तालाब को कवर अप किया, फीड कम किया डालना। फिर उस दौरान जैसे जैसे मैंने जो टोटल एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, 500 से 600 मछली मेरी खत्म हुई और वो भी अच्छे साइज की खत्म हुई, यानी कि आधा किलो का एक फंगेसियस का बच्चा खत्म हुआ। जी जी। लेकिन हाँ, उसके बाद अब जब मौसम ठीक हुआ है, मौसम ठीक होने के बाद अब मेरे पास जो लगभग 3000 बच्चे भी अगर होंगे इसमें, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं और कुछ ही टाइम में हार्वेस्टिंग करने का उनका टाइम आ गया। जी, और आपने इसे पक्का कंस्ट्रक्ट किया है। जी, बाउंड्री भी पक्की की है। जी, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है यहाँ पे। जी, इन्वेस्टमेंट अच्छी है। पहले मेरा कुछ ऐसा विचार नहीं था। जी, पहले मैंने सोचा था कि इसको साइड से जो है ऐसे ही तारबंदी करा दी जाएगी। जी जी। लेकिन फिर मैंने जब अपने काम को देखा कि मुझे यहाँ पे पिगरी करनी है और फिशरी भी करनी है, उस टाइम पे मैंने सोचा चलो ठीक है, एक 3-3 फुट की बाउंड्री करा देते हैं। 3-3 फुट की जब मैं बाउंड्री कराने चला तो मुझे लगा कि 3 फुट की बाउंड्री की जगह इसे पूरा 4 फुट की करा दें। फिर 4 फुट की बाउंड्री हो गई तो फिर एक तब भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शक्ल ना देखे बाहर की और हमारी बाहर वालों को। हाँ, ये वाली बात है। एक ये भी डर होता है सर, जब हम नया काम खोलते हैं कि कोई हमारे काम में टांग ना अड़ा दे। बिल्कुल, बिल्कुल, कि कोई हमारे तालाब में आगे कुछ डाल ना दे। जी, कोई जी। हमारा काम ना खराब कर दे। तो इसके चलते मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी, ऊपर तक इसे बाउंड्री ऊपर तक की, ताकि कोई बाहर से ना देख सके अंदर क्या चल रहा है। जी जी। और अंदर से कोई बाहर भी ऐसे मतलब दीवार फांद के या दीवार कूद के बाहर से अंदर ना जा। जितना लोग कम देखेंगे उतना अच्छा रहेगा फार्म के लिए, चाहे आप कुछ भी करते हैं। जी, कुछ कैनल है, डॉग का बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, अगर जितने लोग आपके फार्म में कम आएंगे उतना ही आपका लॉस कम होगा। एग्जैक्टली, फैक्ट है बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए, आपका पिग फार्म है? जी, इसके पीछे ये मेरा पिग फार्म है। और ये यहाँ से आपका कुछ पानी मतलब वेस्ट आ रहा है? जी, धुलाई हो रही है और उसका पानी आ रहा है, मैं मानता हूँ। एग्जैक्टली, ये अब जैसे सुबह और शाम को धुलाई होती है तो उसका पानी पूरा तालाब में आता है। जी जी। इससे मेरी क्या होती है कि फील्ड कॉस्टिंग जो मान लीजिए अगर मैं 6 रुपए तालाब पे लगा रहा हूँ एक मछली के ऊपर, ठीक है, एक दिन में, तो वो मेरी कॉस्ट कट हो करके एक दिन में 2 रुपए की रह गई मछली के ऊपर, एक मछली के ऊपर। तो इस हिसाब से अगर सालाना एक मछली को तैयार करने में 60 रुपए लग रहे हैं तो मेरी वो कॉस्टिंग कम होकर के 20 रुपए की हो गई। तो तभी इसे इंटीग्रेट कहा गया है कि तो वेस्ट हमारे से रिसाइकल करेंगे। एग्जैक्टली, अगर आपका वेस्टेज रिसाइकल हो रहा है तो बहुत ही चांसेस, बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि 80-90% चांसेस है कि आपका जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। जी जी। अच्छा ये जो दो घूम रही हैं, थोड़ा काट भी रही है हमें, ये क्या चीज़ है ये? देखिए, इसको हम लोग बत्तख कहते हैं। इसकी एक वैरायटी राजहंस भी होती है। और मैं इसको इसलिए लेके आया था, एक तो तालाब में घूमती हुई बहुत प्यारी लगती हैं, जब ये तालाब में घूमती हैं तेज काटती है थोड़ा सा, आपको भी काट रही थी पीछे। जी, तो चलिए चलते हैं पिग फार्म की तरफ। अरे छोड़ दे, अरे अरे ये बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी गार्ड है ये। जी, ये पिग फार्म है मेरा। हाँ, और शेड बना रखा है आपने और टीन का प्रयोग किया है। जी, तो कितने बाई कितने का है ये शेड आपका? ये मेरा जो पूरा है ये 5000 स्क्वायर फुट में है। 5000 स्क्वायर फुट में? जी, और जो टीन शेड डला हुआ है सीमेंट की टीन है। जी, सीमेंटेड टीन है। जी। इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट आया है वो 5 से 6 लाख के अप्रोक्सीमेटली आया था, जिसमें कि सब चीज़ें हैं, जिसमें इसका नीचे का पक्का फर्श है, ऊपर मेरा टीन शेड है, और इसमें जो लोहा जो अंदर लगा हुआ है टीन को बैलेंस करने के लिए जो बीच में लोहा लगा हुआ है वो सब मिला करके 5 से 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है केवल इस पार्ट का। जी जी। और अगर बाउंड्री को भी अगर हम कैलकुलेट करें? देखिए, अगर हम पूरी फार्म की बाउंड्री और पूरे फार्म की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा 15 से 17 लाख के बीच का पूरा इन्वेस्टमेंट था। जी जी। जिसमें कि ये सारी बाउंड्री है, जिसमें यहाँ पे मतलब A to Z सारा काम है उसमें। साफ सफाई अच्छी है भैया आपके फार्म पे। अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी ये थोड़ा खाली है। जी, मैंने आपका बिल्कुल अभी जैसे अभी होली गई है, उससे पहले दिवाली गई थी 4-5 महीने पहले, तो मेरे पास जो है लगभग 150 जानवर थे। अच्छा अच्छा 150 जानवर मैंने सेल करे, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है हमारे एरिया में। मैं मानता हूँ कि हमारे एरिया में भी जो रेट हैं वो अच्छे मिल रहे हैं हमें। 140 तक का रेट हमारे एरिया में मिल जाता है, जबकि गुवाहाटी असम भी माल जा रहा है तो वो 145-150 जा रहा है।
तो वो तो ज्यादा फर्क रहा ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, हमारे एरिया में इतना अच्छा रेट मिल रहा है अब हमें। तो मैंने जो है होली पे कुछ एनिमल सेल कर दिए, उससे पहले जो मेरे पास जो जब दिवाली थी दिवाली पे एनिमल सेल कर दिए, तो ये दो सीजन ऐसे गए मेरे। इस सीजन में मेरे पास जो 150 एनिमल थे उसमें से केवल अब 50 से 60 एनिमल बचे हैं जी। तो मैं मानता हूँ कि अपने जो एरिया है उत्तर प्रदेश अमरोहा का या मुरादाबाद बोल सकता हूँ मैं, वहाँ पे अच्छी डिमांड अभी पिक की है। देखिए डिमांड यहाँ पे जो है संभल, डिमांड यहाँ मुरादाबाद, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि जहाँ से लोग मेरे पास आते हैं और वहाँ माल लेके जाते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए जी, जैसे आप जिम ट्रेनर थे जी जी, और आपकी जिम भी थी अपनी, हाँ जी, गाजियाबाद जी, उसके बाद आप लॉकडाउन की वजह से आए वापस अपने गांव में जी, तो आपको यही काम मतलब जैसा कि आप जाट समुदाय से हैं जी, थोड़ा आपको ये समाज आड़े नहीं आया कि भाई लोगों ने गांव के लोगों ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो ये? जब मैं आया था तो मेरे माइंड में काम तो पहले से ही था जी जी, मेरे माइंड में ये था कि हाँ जिम के अलावा और भी कुछ काम होना चाहिए जी, एक साइड बिजनेस भी होना चाहिए। देखो जिम एक ऐसा है कि उसमें हाँ मंथली आपकी इनकम हो रही है, लेकिन मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि मेरे को ना एक ऐसा मतलब काम मेरा अलग से होना चाहिए कि उसमें हर 6 महीने में 3 महीने में इनकम डबल होती रहे। यानी कि अगर आप सो रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है जी जी। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ये इसके ऊपर रिसर्च भी किया था, पिगरी फार्म के ऊपर और फिशरी के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं मेरा जिम बंद हो गया, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन में खोला जाए। पहले स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को जैसे पता लगता रहा तो लोगों ने मुंह बनाया, लोगों ने बोला, लोगों ने मुझसे ये भी बोली, ये भी बहुत लोगों की मुझे सुनने को मिली कि ऐसे मतलब जाट समुदाय से आप हो और आप ऐसा काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं चाहे समुदाय मेरा जाट है लेकिन मुझे करना है काम। जी जी। पहली चीज़ मैं खाली नहीं बैठ सकता जी, दूसरी चीज़ मैं इंडिपेंडेंट हमेशा से पहले से था क्योंकि मैंने 12th क्लास के बाद से ही मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी जी जी। तो मैं पहले भी था और मैं क्या मैं अब भी रहना चाहता हूँ जी। उसके बाद मैंने जब काम खोल दिया तो 1-2 महीने लोगों की सुनने को मिली और आज वही टाइम है लगभग इस काम को, पिगरी के काम को करते करते मेरे को 13-13.5 महीने हो गए हैं जी जी, 1 साल से ऊपर हो गया है जी। और मेरे को देखते देखते अब 2 फार्म और खुल रहे हैं मेरे जस्ट बगल वाले गांव में। अच्छा। और वो भी जाट बिरादरी से ही है। अच्छा जी। हाँ मैं मानता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, हर किसी को फॉलो नहीं कर पाते लोग। एग्जैक्टली। और एक ये बात बहुत अच्छी मैंने सुनी थी कहीं पे जी जी, कि आप अपने आप को सक्सेसफुल तब समझो जब आप लोग आपके कदमों को फॉलो करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी मेरी लोग आलोचना करते थे और आज मेरे जैसा काम खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको प्रॉफिट भी देखा होगा जी, सुना होगा, ऐसे रूमर फैले होंगे कि भाई यशदीप भाई तो इतने कमा रहा है, तभी उन्होंने आपको फॉलो किया। बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो बात है। तो जैसे 13 महीने हो गए जी, थोड़ा अपना उतार चढ़ाव के बारे में और प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बताइए। पिग फार्मिंग की बात कर रहे हैं पहले हम, अभी बाद में फिश की बात करेंगे। देखिए मेरी इसमें पहले साल में अगर मैं कहूँ, मैं एनिमल का इन्वेस्टमेंट बताऊँ तो एनिमल की जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी वो 180 बच्चे में लेके आया था जी जी, 180 बच्चे प्लस में 20 मादिन जी। मैंने इस इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा किया था जी, ये सोचते हुए कि हाँ इसका जो रिटर्न मिलेगा वो भी बड़ा मिलेगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट बड़ा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मुझे इसके बारे में, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ी थी, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहले 2 सीजन मतलब 2 सीजन कहने का मतलब कि मैंने 2 बार, एक बार मैंने 20 जानवर बेचे, अगले वाले में फिर मैंने 20 जानवर बेचे, तो मेरी इनकम बहुत अच्छी हुई। लगभग उस टाइम पे जब पिछले साल 1.5 साल पहले जब मैंने 13-14 महीने पहले इसका जो एनिमल जो कॉस्टिंग थी वो थी 120 रुपये पर के जी जी जी, ठीक है, उस टाइम पे जब मैंने सेल किया था जी, रिटर्न मिला मतलब एक एनिमल के ऊपर 6,000 रुपये का खर्चा आया और 12,000 रुपये का एनिमल बिक गया मेरा सेल। प्रॉफिट आपको 50% का हुआ जी, डबल का हुआ। आप होटल वेस्ट उस पर कर रहे हैं या फिर फीड खिलाते हैं? देखिए मैं पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मैं प्रॉपर फीड पे था जी जी, पूरा फीड खिला रहा था। मेरी जो इस पे कॉस्टिंग आ रही थी वो 6,000-6,500 की आ रही थी। उसके बाद मैंने फीड को और थोड़ा अच्छा किया, फीड को अच्छा ऐसे किया कि पहले मैं फीड दूसरी कंपनियाँ खिला रहा था, मैंने फीड अच्छा किया,
बच्चे और अच्छे से पनपने लगे तो मेरी कॉस्टिंग 7,000 के अप्रोक्स आने लगी जी जी। फिर मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा था इनवे, मतलब जो कहते हैं ना कि एक मार्जिन जो है, मार्जिन कहीं ना कहीं मेरा डगमगा रहा था जी जी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक आलू वेस्ट आता है जिसको पिट्ठी बोलते हैं, आलू की पिट्ठी, मैंने वो खिलाना स्टार्ट किया। वो आ रहा है 7.5 रुपये किलो, फीड पड़ रहा था मुझे 42 रुपये किलो जी। तो जाहिर सी बात है कि मेरी कॉस्टिंग जो थी वो कम हो गई। रिजल्ट 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 बहुत बढ़िया है। रिजल्ट ये देखो आप, अभी भी मेरा वही आलू फीड चल रहा है और बच्चों का कलर देखो नहीं, बढ़िया बढ़िया पिंक पूरा कलर आ रहा है भी, जी ये तो अपनी वही है लार्ज वाइट, लार्ज वाइट है और इसका कलर देखो आप जी जी बिल्कुल। और 7.5 रुपये का फीड है, कोई उसमें महंगा नहीं है और ये कलर है बच्चों का। तो कहाँ से आ रही है पिट्ठी, है मंडी से कैसे? नहीं, ये पिट्ठी फैक्ट्री से आती है सीधे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये पिट्ठी आती है हापुड़ से। अच्छा अच्छा, आपने बताया था यहाँ चिक्स भी हैं आपके पास? जी, मेरे पास चिक्स भी आ रहे यार, थोड़ा बाइट से मेरे पास बताइए जी। देखिए मेरे पास सिर्फ जो मैं फीड ही मंगाता हूँ, जो फीड यूज करता हूँ वो केवल और केवल पिक के लिए मंगाता हूँ, बाकी सब चीज़ें, बाकी सब मेरा उस पे ही, उसके वेस्टेज पे ही सब चीज़ें चलती है जी जी। देखिए ये मेरे पास RIR है और जिसको कि बोलते हैं एक तरीके से, यहाँ पर नॉर्मली लोगों को इतना पता नहीं होता, नॉर्मली लोग इसको देसी के नाम से बोलते हैं जी जी। हाँ, मैंने ये अक्टूबर महीने में मैं ये 100 बच्चे लेके आया था जिसमें मुर्गे और मुर्गियाँ दोनों ही थे जी। देखिए मेरे पास मुर्गे ये हैं जो कि मैंने अलग बंद करके रखता हूँ इन्हें जी जी, और मुर्गियाँ इस तरफ हैं जी जी, ये सब मुर्गियाँ हैं। और इनका जो मैंने, इनका जो अब जो होली पे जो ये निकले हैं, ये 1,000 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें सेल। अच्छा, आपने सेल भी किया है इन्हें जी जी जी। अच्छा, अब ये बताओ भाई, जैसे आप तीनों चीज़ें कर रहे हो जी, पोल्ट्री भी है आपकी, फिशरी भी है जी, पिगरी भी है, इनमें प्रॉफिट कैसा ले पा रहे हो आप? क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लगा था, 20 के बाद आप यहाँ पे आए वहाँ वाइंड अप करके, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे इतना रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ वहाँ के मुकाबले? देखो मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं इस काम से सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जितना रेवेन्यू मैं वहाँ पे जनरेट कर पा रहा था उससे लगभग लगभग कई गुना ज़्यादा मैं यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ एक साल में। अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस काम से खुश हूँ, इस काम से ही मिलते जुलते मैं काम और ओपन कर रहा हूँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में यशदीप भाई, जिन्होंने हमें अपना इतना शानदार फार्म दिखाया और उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।